Hi everyone, my name is Shivansh Basin. Welcome back to this channel, The Investor Launch. So guys, ये particular channel पे जब से हम 3 stocks डालना start कर रहे हैं तो बहुत अच्छे returns हमें देखने को मिले हैं. अब इस returns को अगर आप double करना चाहते हो तो definitely हमारे telegram channel को join करो. Because हर से एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से हम regular content दे रहे हैं आपको वहाँ पे, और एक हफ्ते से स्टॉक्स के जो रिटर्न्स है, मैं आपको को सैटरडे को एक पूरा पीएनएल भेजूंगा कि हमारे कितने टारगेट्स हिट हुए, हमारे कितने स्टॉप लॉस हिट हुए, हमारे कितनी होल्डिंग्स अभी भी हमारे पास पड़ी हुई है. सो गाइस, बहुत बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं. हम जो दे रहे हैं उनकी कन्विक्शन ऑलमोस्ट 80% जा रही है, राइट? तो डेफिनेटली फॉलो करिएगा एंड वील मीट यू देयर, बिकॉज कल भी आज भी लाइव डाटा बहुत कुछ मिल रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. थर्सडे की एक्सपायरी एज अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल गई है. लाइव में भी हमने बताया था एग्जैक्टली वैसा फॉलो करा. सो अभी तक तो हमारा कन्विक्शन बिल्कुल राइट जा रहे हैं. लेट्स होप आगे भी कंटिन्यू करते रहें एंड आप लोग पैसा कमाते रहें. सो अब मैं मिलता हूँ वीडियो में आपको अंदर, और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और किस तरीके से मार्केट आपको पैसा कमा के दे सकती है. सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं. सबसे पहला स्टॉक है कैप्रीहेंस. कैप्रीहेंस पे मैंने ये 3 वीक का डाटा आपके सामने रख रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है. मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है अगर आप 3 महीने से होल्ड कर लोगे. सो लेट्स चेक. अगर आप चेक करोगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेटेड था ऑलमोस्ट जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2003 पे. अब 2003 से ऑलमोस्ट 17 साल तक ये इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते रहा. फाइनली अप्रैल मई 2021 पे, यानी कि एक साल पहले, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया. उसके बाद कंसोलिडेट ही करते रहा नीचे लोअर लेवल्स पे. अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम प्लस अपने लॉन्ग रेजिस्टेंस वाले सपोर्ट को बना के अभी ऊपर की तरफ गया है, और इसने एक फ्लैग एंड कोल पैटर्न क्रिएट करा है एज यू कैन सी इट हियर. अब इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, दैट शुड बी अराउंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल हम जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, दैट इज 70% रिटर्न. यस गाइस, 70% रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है आने वाले 3 महीने के बाद. और डेफिनेटली स्टॉक को आपको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर एड जरूर करना चाहिए. अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की. सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है टेनला. टेनला अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम ये ऊपर है एंड बहुत ज्यादा ही अच्छी रैली है. मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छी रैली है. ऑलमोस्ट 60 रुपए से ये कम से कम आप देख सकते हो कि 2100 रुपए तक भी गया. अब एक बहुत अच्छी मूवमेंट हम लोगों को इस लेवल से देखने को मिली थी, और एक अच्छी रैली आई थी. आफ्टर दैट एक कंसोलिडेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, 50 और 61% पे हॉल्ट करा, 2 से 3 हफ्ते होल्ड करा. अब फाइनली जाके इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और आज के ट्रेडिंग सेशन पे जब मैं लाइव भी आया था तो हमारे डिस्कशन चला था, तब ये 1560 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था. और हमारा डिस्कशन ये था कि जैसे ये 1600 के ऊपर जाएगा तब हम एक बाय सेटअप यहाँ पर चेक करेंगे. तो डेफिनेटली गाइस, ये 1600 के ऊपर जा चुका है. अब हमारे लिए एक बाय सेटअप इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बन सकता है. अब बाय और डिप स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है स्टॉक के अंदर, और डेफिनेटली ये हम लोगों को 1700 जो मिनिमम टारगेट है वहां तक इजीली लेकर जा सकता है विद इन 2 to 3 days के अंदर. अब बात करते हैं एक इंटरडे स्टॉक जो थोड़ा सा रिस्की होने वाला है. नए स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक मार्केट नीचे थी, मार्केट ऊपर थी, बट एक्सिस बैंक हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे रहा था. ये ऑलरेडी मैंने सुबह 9:50 में बता दिया था कि हम बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, रादर देन हम इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक पे अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं. और उसके बाद ये बहुत अच्छा रिटर्न. अब बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, बट बैंक निफ्टी अगर वीक है बट मैं एक्सिस बैंक पे एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड लेना चाहूंगा, और मेरे को लगता है कि शायद अगर ये एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा इंट्राडे मूवमेंट दे सकता है. आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बनाया. आफ्टर दैट इसका एक ब्रेकआउट हुआ, इट गेव अ रीटेस्ट, क्रिएटेड अ डबल बॉटम, अगेन इट मूव्ड अप. अब ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि 794 रुपीज का आ रहा है. अगर इसके ऊपर का निकलता है देन अ नेक्स्ट टारगेट शुड बी 807 to 810 रुपीज का, जो कि इसके प्रीवियस लेवल्स है. और 805 to 810 तक ये बहुत ईजिली जा सकता है. और अगर वहाँ पर ही सस्टेन कर गया कल, इसके बाद यहाँ पर सस्टेन करने के बाद कल फॉल नहीं आती है तो डेफिनेटली इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है. एक्सिस बैंक में हमने अपनी नज़र जरूर रखेंगे, बट इट्स अ रिस्की ट्रेड. बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी. निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, एंड निफ्टी पे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को गाइस ज्वाइन करो, बिकॉज वहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा. सुबह 9:40 पे ही मैंने बोल दिया था कि निफ्टी पूरे टाइम, मेजर टाइम तक 17,700 पे ही रहेगी, पूरा टाइम बोला था.
हमने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जिसने शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट दिया था, बट उसके बाद हम लोग माइनर प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर गए थे। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने एक पुट ऑप्शन लिया था, और उसके अलावा हम लोगों ने 17,650 और 17,700 का कॉल्स भी लाइव में शॉर्ट करने के लिए आपको बोला था। बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहे थे, तो गाइस जरूर ज्वाइन करा करिए, जो भी आपको अपडेट्स मिल रहे हैं प्रॉफिट्स आप बहुत अच्छे जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा पीएल में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, आज ही 100 रुपये ऊपर चला गया था। अब यहाँ पर हमें सेम चीज़ है, ये हायर हाई था, ये हाई था, ये लोअर हाई है, ये फिर लोअर हाई है। अब यहाँ पे दो दिन से हम लोग एक गैप डाउन ओपनिंग देख रहे हैं। अगर आप चेक करोगे, पहला इस लेवल पे ओपन हुआ, अगले दिन एक गैप डाउन आया, अगले दिन फिर एक गैप डाउन आया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ना, जब ये गैप डाउन आया था तो एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट लिया था, अगेन एक गैप डाउन आया था। ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं यही लेवल था जो हम बोल रहे थे इसके लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे गया था हम लोगों ने ऊपर लेवल के कॉल्स को शॉर्ट करा था और एक पुट ऑप्शन बाय करा था। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये इसके नीचे जाके क्लोज कर चुका है, विच इज अ बैड साइन। तो देन आवर नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 17,580 रुपीस का टारगेट हम जो एग्जामिन करके चल रहे हैं। यस गाइस, अब दो दिन का लगातार गैप डाउन आ चुका है, तो डेफिनेटली कल के दिन या तो एक बहुत बड़ी फॉल आने वाली है, सिंपल फॉल ही फॉल आती रहेगी, या तो कल फॉल आके मार्केट एक रिवर्सल लेने वाली है। दो टाइप है, या तो कल गैप डाउन खुलेगा, या अगर इसी लेवल पे भी खुलता है, दो ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं, तो एक बड़ी फॉल आएगी। बिकॉज दो बार अगर गैप डाउन आ चुका है तो एक तो तीसरा गैप डाउन अगर आएगा तो वो हमें बता देगा कि मार्केट क्या कंटिन्यूस लेवल पे फॉल ही करना स्टार्ट करेगी, या तो यही आखिरी फॉल था। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए, कल अगर मार्केट यही लेवल पे खुलती है और ये जो लेवल मैंने मार्क करा हुआ है 17,580 रुपीस का, अगर ये लेवल के नीचे जाती है हम कुछ नहीं करेंगे। 15 मिनट की दो कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। सुन लो, अपनी नोटबुक पे इसे लिख लो, अगर इस जोन के नीचे 15 मिनट की दो बियरिश कैंडल क्लोज होती है तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हुआ या फिर इसी लेवल पे ओपन होके नीचे गया और इसी लेवल से अभी ऊपर जा रहा है, यहां तक तो आ गया, यहां तक तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, कोई शॉर्ट पोजिशन नहीं है। जैसे यहां पर आके अब ये रिवर्सल देना स्टार्ट करेगा, हम तब वहां पर एक रिस्क एंट्री लेंगे, और अगर ये इस जोन के ऊपर चला गया तो हम अपनी एक फ्रेश बाय पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा सब कुछ इंट्राडे के अंदर ही, क्योंकि कल फ्राइडे है, परसों और तरसों सैटरडे संडे है, हम लोगों को कोई भी ओवरनाइट रिस्क या पोजीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम स्टॉक्स के अंदर बैठ के अपना प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही सेम स्ट्रैटेजी है, बट अगर कल गैप अप होता है और इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो भी हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं। तो याद रखना, इसके नीचे 15 मिनट की दो कैंडल है तो ही शॉर्ट है, इसके ऊपर जाएगा तो ही लॉन्ग है, या इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो लॉन्ग है। ठीक है, बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। सेम चीज बैंक निफ्टी के भी अंदर देखने को मिली है, एक पहला गैप डाउन, एक सेकेंड गैप डाउन, बट रिकवर करने की इसने कोशिश करी थी बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब यहां पर भी सेम मैंने लेवल्स मार्क कर दिया, ये लेवल है 37,350। अगर ये लेवल कल गैप डाउन के थ्रू ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 37,150 का होगा, क्योंकि ये जो गैप फिलिंग कर रही है वो गैप फिलिंग करेगा। देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 36,850 रुपीज का, बट मेरे हिसाब से इसको यहाँ पर पॉज ले लेना चाहिए इस लेवल पे, एंड इस जोन के अंदर ही मार्केट अगर रिवर्सल भी करती है। चलिए, बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज इस पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी आने की कोशिश करी थी बट सस्टेन नहीं कर पाया था, एंड हर लेवल्स पे माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग कल निफ्टी में ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी पे मैं टेलीग्राम पे लाइव अपडेट दे दूंगा। अगर मुझे कुछ सिनेरियो लगता है कि एक बढ़िया मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं तो आई लेट यू नो बाई वेदर वी शुड बाय कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ऑन इंट्राडे बेसिस, तो इस पर हम तब नजर रखेंगे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट डाटा मैं नहीं दिखा रहा बिकॉज आज ही एक्सपायरी हुई है, तो कुछ ज्यादा डाटा हमें देखने को मिलेगा नहीं। इसके अलावा अगर FIR डाटा की बात करें तो लोगों ने क्लियरली शॉर्ट करा, इक्विटी मार्केट के अंदर शॉर्ट करा, उन लोगों ने कॉल शॉर्ट्स करी है, पुट लॉन्ग करी है, फ्यूचर शॉर्ट करा है, तो वो लोग शॉर्ट के बेसिस पे ही है, बट लेट्स सी क्या होता है, उस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं करने वाले। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर और दिस कंटेंट। मैं इसको और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंट्रोड्यूस भी करने वाला हूँ कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो ऑन अ थर्सडे एक्सपायरी के बेसिस पे, जो कि हम ट्यूजडे या वेडनेसडे को लिया करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से